हाय गाइस, दिस इज जेआर, यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। दोस्तों, मैं लेके हाजिर हूँ आप लोगों के लिए फ्री जॉब अपडेट्स। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वह थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज की जॉब में आपको सब कुछ कहने का मतलब है कि अभी हम लोगों के पास में कौन सी जॉब चल रही है, कौन सा काम चल रहा है, उसकी मैं सारी अपडेट डिटेल में देने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, बीच में आधा अधूरा वीडियो देख के कॉल नहीं करें। गाइस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आप लोगों को। आपको जो है ना, हर एक जॉब अपडेट्स पूरे डिटेल्स में समझाना, सैलरी वगैरह सब कुछ से, तो हल्का सा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो रिक्वेस्ट आप लोगों से एक ही कि वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, और नीडेड कैंडिडेट्स, जिसको काम की जरूरत है वही कैंडिडेट्स एंड तक देखें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, ताकि आप जो बार बार बीच में कॉल करके पूछते हैं कि अभी कौन सा काम चल रहा है सर, अभी आपके पास जो है प्रेजेंट टाइम में कौन सा वर्क चल रहा है, तो उसी के रिलेटेड में थोड़ा सा अपडेट में लंबा वीडियो होगा आज का ये। गाइस, शुरुआत करूंगा मैं स्टार्टिंग अनपढ़ लोगों से, जो कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा, जिनको जिनकी एज 30 से ऊपर, 30, 35, 40, 45, उन लोगों के लिए पहला काम उन लोगों के लिए है सिक्योरिटी काम का, सिक्योरिटी गार्ड। लोकेशन सेम बेंगलोर। सिक्योरिटी जॉब की वॉइस जिसका हो रखा, जिसकी उम्र हो रखी है, उन लोगों के लिए सैलरी आपको बताइए। सिक्योरिटी गार्ड में हम लोगों के पास जो सैलरी रहती है स्टार्टिंग 14,000 सैलरी, आफ्टर ईएसआई पीएफ डिडक्शन, ईएसआई पीएफ काटने के बाद में 13,000 इन हैंड सैलरी, ओटी वगैरह मिला के, ओवर टाइम मिला के, आराम से आपकी सैलरी जो है 14, 15, 16, 17, डिपेंड ऑन योर ओटी, ओवर टाइम आपका जितना ओटी होगा उसके हिसाब से आपकी सैलरी लास्ट में होगी, लेकिन इन हैंड सैलरी जो रहेगी आपकी 13,000 ईएसआई पीएफ काटने के बाद में। कंपनी की तरफ से रूम आपको फ्री मिलेगा, यूनिफॉर्म का चार्ज लगेगा, लेकिन वो आपकी सैलरी से डिडक्शन होगा। आपको जो है पहले आइए और आप पहले 2,000-2,500 जो है आपका यूनिफॉर्म का चार्ज दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले आइए, ज्वाइन होइए, काम कीजिए, काम करने के बाद में आपका सब कुछ जो है देखा जाएगा। आप पहले आइए, पैसा दीजिए, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है। कहने का मतलब है कि पैसे का नाम तो यहाँ पर लीजिए मत कि सर आप हमसे पैसे लेंगे क्या, आप ये चार्ज लेंगे क्या, वो चार्ज लेंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये उम्र दराज, ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। लैंग्वेज हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, डजंट मैटर। हाइट और वेट कोई भी रहेगा तो भी चलेगा, कितना भी रहेगा तो भी चलेगा। कहने का मतलब है कि वेट कितना भी रहेगा तो चलेगा, और हाइट कितना भी रहेगा तो भी चलेगा। लोकेशन बेंगलोर में। इसके अलावा आप अगर आते हैं, आपके पास खाने पीने का भी पैसा नहीं, तो कंपनी बीच बीच में आपको 500-2,000 रुपए आपको जो है एडवांस देती रहती है खाने पीने का, और वो पेमेंट आपका मंथ एंड में डिडक्शन होता है। इसी जॉब में अगर आपको एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, तो सेम कंपनी में आपको मार्केटिंग का काम मिल जाता है, सिक्योरिटी कंपनी में मार्केटिंग का। लोकेशन सेम बेंगलोर रहेगा, सिक्योरिटी कंपनी की मार्केटिंग करना है आपको, फील्ड में घूम के, अगर आपके पास बाइक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो सैलरी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, 25, 30, 35, 40,000 तक सैलरी इसमें रहती है, 40,000 तक सैलरी रहती है। अगेन गाइस, कंफ्यूजन मत होइए, काफी सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, 40,000 सैलरी देखे सर आपने तो सिक्योरिटी गार्ड की 40,000 सैलरी देखी थी। आप पहले अच्छे से समझिएगा, 40,000 तक सैलरी जिसकी रहती है वो मार्केटिंग बंदे की रहती है, और सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी रहेगी 13,000 इन हैंड। इसके अलावा अगर आपको होटल लाइन में एक्सपीरियंस है, या फिर होटल लाइन में एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो भी आपको होटल लाइन में काम मिलेगा, सैलरी स्टार्टिंग 11,000, खाना पीना रूम सब कुछ फ्री देने के बाद में इन हैंड जो आपके हाथ में आने वाली सैलरी है 11,000 स्टार्टिंग, जिसको कुछ नहीं आता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है वेटर का, आपने वेटर का काम किया, अगर आपको एक्सपीरियंस है कुक का, साउथ इंडियन कुक, नॉर्थ इंडियन कुक, अगर आपको टी कॉफी चाय कॉफी का एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी फिर उसके
अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग 15 से चालू, 15,000 प्लस खाना पीना स्टार्टिंग बता रहा हूँ, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बाद में आपकी सैलरी देखी जाती है। आप आइए पहले आप काम कीजिए एक महीना दो महीना सॉरी हफ्ता दो हफ्ता, तो ऑटोमेटिकली आप पकड़ लेता है जो है होटल वाला कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितना फास्ट आप बनाते हैं, कितने कस्टमर को आप जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी। लेकिन स्टार्टिंग 15, उसके बाद 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है और 26,027 भी हो सकता है विथ खाना पीना रूम फ्री। इसके अलावा सेम फील्ड में होटल लाइन में अगर कोई फैमिली वाला कैंडिडेट से जो फैमिली के साथ में कि सर मुझे जो है फैमिली के साथ आना, मैं फैमिली वाला हूं जो है मेरी वाइफ भी काम करना चाहती तो आ सकता है, उसकी सैलरी दोनों मियां बीवी की मिला के बोल रहा हूं 18,000 रुपया विथ खाना पीना रूम, ड्यूटी 10 घंटा। अगर आपकी वाइफ कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है तो उनका काम रहेगा क्लीनिंग का और आपका रहेगा वेटर का, अगर वो पढ़ी लिखी है तो दोनों का काम रहेगा वेटर का, अगर आपको एक्सपीरियंस है खाने बनाने वगैरह तो आपका काम रहेगा कुक का, उनका काम रहे जो उनके एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। 18,000 दोनों का मिला के बता रहा हूं और रूम और खाना पीना फ्री। अब इसमें थोड़ी दोनों मियां बीवी की सैलरी इसलिए कम रहती है कि आपको जो कंपनी रूम देती है वो सेपरेटली एक आपको देती है, उसमें जो है कोई भी कैंडिडेट्स को जो है कंपनी नहीं डाल सकती, उसका बड़ा ये रीजन रहता है। नहीं तो लड़के लोगों का जो रूम्स रहता है ना उसमें जो है एक लड़की की जगह कोई दूसरा लड़का भी जो हम लोग उसमें डाल सकता है, तीन लड़का चार लड़का भी साथ में रह सकता है, लेकिन जो फैमिली वाला रूम है उसमें सिर्फ फैमिली ही रह सकती, इसलिए कंपनी इसमें जो है स्टार्टिंग 19,000 दे रही है। बाकी धीरे धीरे 3 महीने के बाद काम करेंगे तो आपकी सैलरी फिर जो है 2,000 बढ़ा देती है, फिर 2-3 महीने काम करते हैं फिर 2,000-3,000 बढ़ा देती है, लेकिन सैलरी बढ़ती जरूर है। फिर आके आपका जो है काम नेक्स्ट रहेगा मार्केटिंग में, स्टील फैब्रिकेशन जो है एक मैन्युफैक्चर यूनिट है उसका मार्केटिंग का काम रहेगा, जिसको कैंडिडेट्स को मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है जो बेंगलोर से बिलोंग करते हैं या फिर जो आउट ऑफ स्टेशन से भी क्यों ना हो लेकिन उनकी इंग्लिश नॉलेज थोड़ा अच्छा है, उन लोगों के लिए अच्छी खासी सैलरी वाली मार्केटिंग वाली जॉब्स। मैन्युफैक्चर यूनिट है, ईएसआई पीएफ रहेगा, अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग सैलरी फ्रेशर के लिए, फ्रेशर जिसको कुछ नहीं आता है उसके लिए सैलरी है 15,000-18,000 रुपए, प्लस पेट्रोल देती है कंपनी, प्लस ईएसआई पीएफ रहता है, प्लस संडे छुट्टी रहता है, प्लस 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, प्लस ओवर टाइम रहता है, प्लस इंसेंटिव रहता है। इसके अलावा जिसको एक्सपीरियंस है मार्केटिंग लाइन में जो काफी साल से मार्केटिंग का काम कर रहे हैं उनके लिए सैलरी 20 से चालू 20,000 या 21,000 25,000 डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू, आप एक बार इंटरव्यू अटेंड कीजिए है उसमें आपकी सैलरी फिक्स होगी। इंटरव्यू रहेगा सेम बन्नरघट्टा लोकेशन में, फेस टू फेस इंटरव्यू रहेगा हमारे ऑफिस में। सैलरी स्टार्टिंग 20 से चालू 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,000 इवन तक 30,000 तक सैलरी इसमें देखने को मिलती है लेकिन एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को। इसके अलावा आपको जो है शाम के टाइम पार्ट टाइम जॉब प्रेजेंट टाइम में 4 बजे से लगाकर 8 बजे तक जो रहता है चाय बना के पिलाने का सैंपलिंग एक्टिविटीज का, उसमें जो है डेली वाइज जो है सैलरी रहती है 400 रुपीज पर डे, 400 रुपए पर डे। लोकेशन विजयनगर, इसमें जो है पर्टिकुलर एक दो लोकेशन में ही अभी काम चल रहा है हम लोगों के पास, ये जॉब सिर्फ और सिर्फ यहाँ लोगों के लिए है। अगर कोई आउट ऑफ स्टेशन वाला है यहाँ पे रह रहा है और वो चाहता है कि मैं जॉब करूं तो बेसिक आप हम कौन कर सकते हैं, हैंड टू हैंड ज्वाइनिंग है। इसके अलावा आप लोगों के लिए कपड़े की फैक्ट्री में गार्मेंट्स में काम, जिसको एक्सपीरियंस है टेलर लाइन में आयरन का या फिर और भी जो है मास्टर का, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी हमेशा हम लोगों के पास में एक्सपीरियंस के ऊपर ही काम करती है गाइस, जितना आपको एक्सपीरियंस रहेगा उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। इसलिए मैं हर बार बोल रहा हूँ कि आप कहीं पर भी एक जगह जो है ना 3 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर काम कीजिए तो आपकी सैलरी इंक्रीजमेंट होती है। आप क्या करते हैं कि हमारा वीडियो देखते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, हम लोगों के पास कॉल करते हैं, आते हैं, ज्वाइन होते हैं, 4-6 महीना काम करते हैं, फिर किसी अदर कंपनी का या अदर एजेंसी का अच्छा जो है वीडियो आता है बोल रहे कि इतनी सैलरी है, आप वहां चले जाते हैं, महीना दो महीना वहां करते हैं, फिर जो है तीसरी कंपनी में चले जाते हैं। ऐसा करने से आपकी सैलरी कभी भी इंक्रीजमेंट नहीं होती है,
आपको अलग अलग टाइप में अलग अलग जो है एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन वो भी जो है अच्छी तरीके से आप एक्सपीरियंस नहीं ले पाते हैं। इसलिए हम मैं हर बार यही बोलता हूँ कि आप एक बार एक कंपनी में जाइए, कम से कम 6 महीना 7 महीना काम कीजिए, ताकि आपकी एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, आपका सैलरी भी इंक्रीजमेंट होती है, आपको एक्सपीरियंस लेटर भी सब कुछ मिलता है उस कंपनी के थ्रू। तो कपड़े की फैक्ट्री में टेलर का हुआ, या फिर आप अगर मास्टर हैं, या फिर आप अगर जो है ड्रेजर हैं, या फिर आप अगर जो है आयरन करने वाले हैं, तो आपकी सैलरी अकॉर्डिंगली टू यू स्टार्टिंग 12 से। हेल्पर कैटेगरी के लिए अलग है, 8,000 सैलरी है हेल्पर वालों के लिए, विथ रूम खाना पीना सब कुछ फ्री, संडे संडे छुट्टी, 8 घंटे ड्यूटी। तो गाइस प्रेजेंट टाइम में पार्ट टाइम से लगाकर फुल टाइम हेल्पर कैटेगरी से लगाकर एक्सपीरियंस के वालों के लिए ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए ये जो प्लस फीमेल के लिए केरला में जो मैं बोला है अभी आपको कपड़े की फैक्ट्री में, तो मेल और फीमेल सब लोगों के लिए आज का ये सारा का सारा जॉब अपडेट्स आप लोगों के लिए। इसलिए गाइस ये वीडियो आप लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में एक बार शेयर जरूर करना चाहिए। हम लोग हमेशा की तरह आप लोगों के लिए फ्री जॉब लेके आते हैं, ये जॉब भी आप लोगों के लिए फ्री है, हमेशा की तरह फ्री रहेगी। हम लोगों के पास कोई भी ना तो मिनिमम चार्ज है ना मैक्सिमम चार्ज है, चार्ज के नाम पे पैसे के नाम पे कुछ नहीं है। तो गाइस अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ में एक बार वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि उनको कुछ काम मिल सके, उनको कुछ हेल्प मिल सके। अगेन गाइस टाइमिंग संडे सैटरडे नहीं कॉल करें, मॉर्निंग 9 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे तक ही कॉल करें, आप व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक और जॉब अपडेट आप लोगों के लिए सब कुछ जानकारी के साथ में है। तो फ्रेंड्स हम हाजिर होते हैं कुछ एक और नई जॉब अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।